कप साइज देखें, इंडिया वालों ने 50 बिलियन डॉलर अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया हुआ है, हम 3 बिलियन डॉलर्स के लिए उनके आगे नाक रगड़ रहे हैं। नया नाम दिया भारत मंडपम, ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस होगा ये, और जिस दिन ये ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस बनेगा तो समझे दुनिया में फिर उस दिन 2 यूएन है, एक अमेरिका में एक इंडिया में। जहां भी मैं गया हूं तो वहां पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं, लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का। चूरन बेच बेच के हम कहाँ खड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान कहाँ है कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनके साथ बिजनेस करना चाह रहा है, और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कर्जे और या कह लीजिए कि कटोरा है हमारे हाथ में जो लेके हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे अपनी मौत आप मर रहे हैं। उसके बाद जितनी भी क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है, और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे, पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो काफ़ी IMF ने मदद की है पाकिस्तान की, और IMF ने कई बार लोन की फॉर्म में मदद की है और पाकिस्तान को बचाया है क्राइसिस से। पर इंडिया की तरफ दूसरी तरफ बात करें अगर, तो इंडिया ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो की है और दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी है बनी है इंडिया इस साल। तो उसी पे जापान के यहाँ पे कहा था विदेश मंत्री ने भी कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है, और उसी पे इंडिया आगे बढ़ते हुए अगर देखें एशिया में तो एशिया में दो ही पावर हैं, एक चाइना है और एक है इंडिया। अमेरिका जिस हिसाब से चाइना से इन्वेस्टमेंट निकाल के इंडिया में कर रहा है, उस हिसाब से आने वाले समय में दो ही होंगे, जैसे यूरोप में अमेरिका होता है वैसे ही इंडिया में साउथ में इंडिया होगा, और इधर एशिया की जो बेस्ट कंट्री होगी वो इंडिया होगी चाइना को बीट करते हुए। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं होगी, 10 से 15 साल में इंडिया चाइना को बीट कर देगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, तो आइए इस डिस्कशन को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जैसे G7 मतलब आपको सात अल्फाज में कहता हूँ, दुनिया की 7 बड़ी जो पावर्स हैं इकॉनमी के हवाले से या ओवरऑल जिसे कहते हैं 7 पावर्स, उसका मेंबर क्या इंडिया बन जाएगा या बनने जा रहा है G7 का, आपके ख्याल? देखो जी ये तो उसके टैलेंट के ऊपर है ना, अगर वो बन सकता है तो बन भी जाएगा, लेकिन बनना तो नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जैसा मुल्क उससे बड़ा ताकतवर है। देखा शहीद हो गए हमारे 1970, आपने बोला उससे पहले डरते, 1971 की जंग कौन जीता था? वन की 71 की जंग, 71 की जंग हम ही जीते थे, हम हार गए थे 71 की जंग, सन 65 की जंग हम जीते थे, और 71 की जंग इन्हीं की हरकतों की वजह से, इधर तुम उधर हम, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम अपनी जंग जो हार गए थे। हालांकि बांग्लादेश इन्हीं की गलतियों की वजह से ना वो अलहदा हो गया, इन्हीं की गलतियों की वजह से, इन लीडरों की गलतियों की वजह से अब वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर चला गया। इंडिया जो कि आज से चंद साल पहले हमसे मतलब 2-3 रुपए पीछे था, अब वो 2-3 रुपए आगे चला गया। 2-3 रुपए किस चीज में पीछे था? करेंसी उनकी, करेंसी में वो हमारी करेंसी भारी थी, उनकी जो है ना वो उसमें नहीं थी, ठीक है, भारी नहीं, मतलब इक्वल कह सकते हैं, इक्वल थी लगेंगे, क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है जिसके अंदर उससे बहुत ज्यादा इनोवेशन है, बहुत ज्यादा उनकी काफी बेहतर है इंडिया से सारी चीजें, तो टाइम लगेगा लेकिन पहुंच सकता है इंडिया भी। नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं स्पेस शटल बाहर भेजने का, पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं, तो इसने अभी हम देखें अगर हम IT सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ, तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं माइक्रोसॉफ्ट और जितनी बड़े हम जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके CEO हमें इंडियन मिलेंगे, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं तो वो आज उसका CEO भी एक हमारे पास इंडियन है। आगे चल रहा है, मैंने ये देखा है, हम अभी भी मैं इनकी मैगजोन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ, ये कौन सी क्वालिटी मैगजोन टी शर्ट? इंडिया की, मेड इन इंडिया, उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है चीज बनाते हैं क्वालिटी, हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में, बस सस्ते, बस सस्ती होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा ये शर्ट इधर होलसेल में अगर बात करें या ओवरऑल अगर शॉप पे बात करें, ये शर्ट इधर कितने की? ये यहाँ पहले मिलती थी 400 रुपए की, अब जो पाकिस्तानी टैक्सेस एक्सेस ये वे सब कुछ लगा के अब ये 1100 रुपए की इसकी होलसेल हो गई, लेकिन क्वालिटी है, क्वालिटी हमारे यहाँ कोई भी कोई
तो आप लोगों ने जैसे देखा वीडियो में कि पाकिस्तानी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी इतनी तेज ग्रो होने पे, तो पाकिस्तानी पब्लिक भी हैरान है और पाकिस्तानी मीडिया भी पूरी तरह से हैरान है कि पीएम मोदी ने इतनी तेजी से कैसे ग्रो किया। और इसमें पीएम मोदी का अकेले हाथ नहीं है, जब पीछे 1991 में से ही इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है और इंडिया क्राइसिस में चला गया था, पर वहाँ उसके बाद 1991 के बाद इंडिया ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और मनमोहन सिंह ने काफ़ी अच्छी पॉलिसी ले आई थी एलपीजी, उसके बाद ही इंडिया ने अपने इकोनॉमी को ग्रो किया है और आज इंडिया दुनिया की पांचवीं बड़ी इकोनॉमी है। और पीएम मोदी ने कहा है कि जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।